बड़ी दुनिया की किक-ऐस सिटी, जहाँ की हवा में पॉल्यूशन की बदबू तो है पर साथ में फ्रीडम की खुशबू भी। यहाँ पर सांस लेके रोज बोलती हूँ हैप्पी टू बी अलाइव। बाय द वे ऑन द वे डीप ब्रेथ्स, इस फ्रेशनेस को जीने के लिए चाहे कितनी ही टेंशन हो प्रॉब्लम्स हो, इस विजुअल को फील करके सब दूर हो जाती हैं। कितनी प्रिटी एंड बड़ी है ना ये दुनिया, इसके सामने हम कितने छोटे लगते हैं, मानो जैसे हो ही ना। बट जस्ट लाइक इस दुनिया के बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ, ये दुनिया भी मेरे बिना इनकम्प्लीट है। जस्ट इमेजिन। सुबह सुबह इतना पोएटिक और सॉलिड थॉट, ये थॉट ही तो है जो मुझे हर रोज इस बड़ी से वर्ल्ड को फेस करने की हिम्मत देता है, लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने की हिम्मत। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स द एज ऑफ योलो गाइस, यू ओनली लिव वंस राइट। मुंबई में रहने के लिए हिम्मत इज सबसे इम्पोर्टेंट। मुंबई जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना सिखाती है, पर लाइफ की उन रियलिटीज की रियल टफ प्रॉब्लम्स भी दिखाती है, जो मौके भी देती है साथ में टेंशन्स भी, जो लोनलीनेस से मिलवाती है। तो उसे दूर करने के लिए ऐसे दोस्तों का साथ जिनको मिलके दिल कहता है हे आई बी ऑल राइट। जिया रेव गेट अप गाइज, इट्स मंडे, वेक अप। Can you hear me? Are you up? Jia, I swear मैं फिर से नहीं उठाऊंगी। Rev, I'm making breakfast. उठो। तारा, T-H-E-R यार, not T-H-E-R-E. अरे बाबा, it means उनका उनका, not उधर। Jia Sen. मुंबई मसाला में एक प्रिंट जर्नलिस्ट, करेक्शन जर्नलिस्ट जिसे है बॉर्डरलाइन ओसीडी। वैसे तो जिया बनना चाहती थी एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, यू नो रिपोर्टिंग द रियल सीन, असली दुनिया। बट राइट नाउ मुंबई मसाला में शी वाज एक प्रिंट जर्नलिस्ट। फ्रिवलेस आर्टिकल्स लिखना उसका काम था, उसके ड्रीम से बहुत अलग। बट वी वर ऑल श्योर कि वेरी सून वो अपना ड्रीम पूरा करेगी, अपना नॉवेल लिखने का ड्रीम। यू नो व्हाट बेब, तुम रहने दो, मैं आके कर लूंगी अपने आप। यूज़ अ कोस्टर। और ये बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम लोगों को, आई मीन बॉम्बे में लोगों को इंग्लिश फ्री में सिखाते हैं, व्हाट्स विद द वोकैब? सबके पेरेंट्स कोलकाता के इंग्लिश प्रोफेसर भी नहीं होते ना। नॉट जस्ट कोलकाता बेब, शांति निकेतन and divorced parents. सुनो, पेरेंट्स से याद आया, आज सुबह तुम्हारी मॉम का फोन आया था। जी आपको बोलो, उसका पापा हमको फिर से फोन नहीं कर रहा है, फिर से इग्नोर कर रहा है, डा 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 डा। अब तुम्हें हिंदी से भी प्रॉब्लम है? हिंदी से नहीं, गलत चीजों से प्रॉब्लम है। जिया, आई थिंक ये परफेक्शन के चक्कर में ना तुम हमेशा सिंगल रह जाओगे। I mean, कोई लड़का आके तुम्हें कहेगा I love you and you're just gonna be like it's not L-U-V love, it's L-O-V-E love. That's not true, okay? अगर दिल के department में अच्छा होगा, so maybe I'll adjust. Really? Are you serious? मुझे लगता है दिल के department के बहुत अच्छे लड़के आए हैं, लेकिन you just don't seem to care about them. That's because उनके दिल का department देखने से पहले मैंने उनके दिमाग का department देख लिया, and they had no brains. And you know it. दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन के बिना Jia Sen is never impressed. हो चुका फिर, मिल चुका तुम्हें लड़का। I feel like Jia Sen से ना तुम Jia single Sen रहोगी हमेशा। Who cares? And who needs a boyfriend? जब मेरे पास इतनी प्यारी BFF है जो मेरे लिए breakfast बनाती है, वैसे Spanish omelette. Really? Good.
ये साउंड्स देखो बिल्कुल सूट नहीं करते. लीव दैट टू द प्रोस. लीव दैट टू द प्रोस. एंड हु आर द प्रोस? तू या ईशा? ठीक है यार, फिलहाल हम लोग टेम्प्रेरी सिंगल लूजर्स हैं, लेकिन ये फेज भी चला जाएगा. हमारे हॉट और सेक्सी बॉयफ्रेंड्स आर ऑन देयर वे, बट यू जिया सेन आर अ परमानेंट लूजर. ए हेलो, बॉयफ्रेंड्स ना होने से ना कोई लूजर नहीं बन जाता. एंड वैसे भी हू नीड्स अ बॉयफ्रेंड? तुम दोनों हो ना मेरे साथ. ए आई एम स्ट्रेट यो. रियली? वेल देन. एओ गॉड, तुम दोनों ने मेरे पीछे अफेयर भी शुरू कर दिया है. That's disgusting. तूने अपनी लॉन्ड्री नहीं धोई. That's disgusting. ए ऑर्डर देना, that's disgusting. It's not an order, babe. तुम्हारी टर्न थी संडे को लॉन्ड्री करना. तो ठीक है यार, मैं भूल गई. So what? It's not like it's a rule. It is a rule. हम तीनों का घर का रूल है ये. You have to do it. ए in my life there is no have to. Oh, guys, enough. लॉन्ड्री मैंने डाल दी थी. Alright. Please remember to just put it out. ये प्यार से बोलना सीख यार. I am so lucky. Oh yeah, you're so lucky. Friends तुम्हारा काम करते हैं, तुम्हारे dad Colonel चौहान तुम्हारे bills भरते हैं. So lucky. Jealous? Jealous? Yeah right. एक band बजाने वाली से. Hey यार, it's not band बजाना. It's my passion and it's called music mixology. Normal language में DJing. रेवती चौहान, all the way from देहरादून, मुंबई में एक dream लेके आए to become the most popular DJ. Sometimes अपने टाइप की पार्टीज एंड sometimes सोसाइटी के फेवरेट टाइप की पार्टी. हर टाइप ऑफ पार्टीज में डीजेइंग वाज इम्पोर्टेंट फॉर हर, एज उसे सेव अप करना था, एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला ड्रीम पूरा करना था. रेवती इंटरनेशनल डीजेइंग कॉम्पिटिशन में जीतना चाहती थी एंड विद हर पैशन ये ड्रीम काफी पॉसिबल लगता था. नेक्स्ट टाइम म्यूजिक मिक्सोलॉजी के बारे में तूने कुछ भी बोला ना, तो एम्स्टरडम से कंपटीशन जीत के वापस आने के बाद मैं तेरे साथ तो सेल्फी कभी नहीं खींचूंगी. वेल इन दैट केस, जब मेरी रॉवल रिलीज होगी ना, मैं तुझे एक भी ऑटोग्राफ कॉपी नहीं दूंगी. नहीं चाहिए. गाइस एक सेकंड, मैं तुम दोनों के साथ वो दोनों चीजें कर लूंगी. ओके ड्यूड, बट सीरियसली आउट ऑफ ऑल ऑफ अस यू आर द मोस्ट सॉर्टेड. या मैन, राइट डायरेक्शन, राइट जॉब. या आई फील लाइक डेस्टिनेशन थोड़ी अभी दूर है. यू नो दूर है, लेकिन तेरा ट्रैक तो राइट है यार. इस बार तुम लोगों का भी ट्रैक राइट हो जाएगा. याईश, यू रियली फील सो दैट वी कैन बी सक्सेसफुल गर्ल्स ऑन टॉप? ऑफ कोर्स, वर्ल्ड डोमिनेशन गर्ल्स. डूड, डूड, रेव इज नॉट इवन गेट ऑफ. पहले तो प्लीज. हाँ, हमें देखकर कोई भी कहेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. मुंबई में फ्री का घर है, जॉब्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रीडम है. इंडिया में कितनी लड़कियों के पास है ये सब कुछ, पर सबको सिर्फ ये ग्लैमर दिखता है, उसके पीछे का हार्ड वर्क और स्ट्रेस नहीं. बिल्कुल किसी रियलिटी शो के बिहाइंड द सीन्स की तरह. अरे लाइट दादा, इधर भी लाइट लगानी है. अरे मैडम, मैं लाइट मैन हूँ, कोई सुपरमैन नहीं हूँ. आ रहा हूँ 2 मिनट में जरा. अरे हाँ ठीक है, फटाफट करो. अश्मा, आई वांट द डायरेक्टर हियर इन 5 एंड कॉल विशाल राइट नाउ. ओके, वेलकम. Welcome, Miss Isha Jaisingh. आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे सेट पे आई, हमें ओब्लाइज किया. अरे स्पॉट दादा, एक चाय कड़क हमारी नई शो प्रोड्यूसर के लिए. कॉमन सीना, हमारे शो के जज का काम है यू सी, आप उनको मुझ पे क्यों वेस्ट करते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट है, मैं इतने सालों में बहुत कुछ वेस्ट कर चुका हूँ, और आप तो कुछ भी वेस्ट नहीं करती. इसीलिए तो बीएमजी एंटरटेनमेंट की सबसे यंगेस्ट शो प्रोड्यूसर. सिर्फ 3 साल में. नॉट बैड एट ऑल. आपको मेरे क्या करने से प्रॉब्लम है यूसी? मैं यंग हूं इससे प्रॉब्लम है, या मैं एक लड़की हूं इससे प्रॉब्लम है, या इसलिए बिकॉज मैं इतने सारे शोज के कॉन्सेप्ट लाती हूं इसलिए? देखिए, जो आप कर सकती हो अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर सकता. यार हम तो ओल्ड स्कूल टाइप है, सिर्फ दिन में काम करते हैं. और आप तो दिन और रात में भी काम करती है. दिन रात, लेट नाइट्स, रात. एक मिनट. कौन? मैं? यू मीन टू से मैं प्रमोशन के लिए अपने बॉस के साथ? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग टू मी राइट नाउ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो आप कह रही हैं.
सच्चाई जुबान पर आई गई है। You know what? It's so easy, isn't it? एक लड़की के कैरेक्टर को इतना गिराना, that's just the obvious thing to do for you. It's about time you see कि लड़कियां इतनी आगे क्यों जा रही हैं। It's because हमें अपने एसी कैबिन और चेयर पे नहीं बैठना है। We want to be on floor. We want to work hard. That's why. Wow. On floor, but इतनी information नहीं है। That we are rolling in 15 minutes और आपकी जो सेट की जज है मिस रत्ना शेट्टी, सेट छोड़ के जा चुकी है। और हाँ, मेरी जरूरत हो ना, यू नो वेयर टू फाइंड मी, एसी चेयर। I've quit the show. और ये कल के न्यूज में होना चाहिए। And make sure to mention that the production house was extremely unprofessional. Yes. मुंबई मसाला से बोल रही हूँ। No time for jokes. आपको रत्ना शेट्टी की न्यूज किसने दी? Why would I care about रत्ना शेट्टी? Care? Of course she cares. तभी तो ये उनके वॉकआउट की न्यूज बिल्कुल गलत है। She walked out. What? नहीं, आप ऐसे उनके कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज प्रिंट नहीं कर सकते हैं। रत्ना शेट्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं तोड़ूंगी, ओके? इट्स जस्ट नॉट अलाउड। अगर कॉन्ट्रैक्ट है और अगर वॉकआउट किया है, सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अलाउड। बट व्हाई? आपको ये न्यूज देता कौन है? रत्ना शेट्टी शो नहीं छोड़ रही है, आपको पता है वो एक प्रोफेशनल है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सोच भी नहीं सकती है। बट प्लीज व्हाई? हेलो, कहाँ से फोन कर? डायना मैम ने आपको बुलाया है। मैम, मुंबई मसाला से फोन आया था। कैन यू बिलीव इट? आपकी रेप्यूटेशन को क्वेश्चन कर रहे थे। कभी कभी जीतने के लिए अपने आप को अपने कंपटीशन के लेवल पर गिराना पड़ता है, और ये बात मैंने यूसी से ही सीखी है। यूसी उदय चड्डा, एके उबर चीपर चीनो। यहाँ मेरी आज की प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही थी, बट मेरी बेस्टीज की प्रॉब्लम शुरू हो रही थी। मैम, यू कॉल्ड फॉर मी? व्हाट्स द कलर ऑफ द आउटफिट यू आर वेयरिंग? माय आउटफिट? मैम, इट्स एन आइवरी विद स्लाइट डिटेलिंग ऑफ रेड एंड ऑरेंज एंड पेयर्ड विद अ स्कारलेट विद सम टर्कोइज ब्लू, सी ग्रीन, ऑरेंज, रेड, व्हाइट एंड इट हैज एन एस्टेक। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट यू डार्लिंग। यू आर सो आर्टिकुलेट, सो सॉर्टेड। समटाइम्स आई वंडर, वोग मैगजीन की फ्यूचर एडिटर इन चीफ मुंबई मसाला में क्या कर रही है? मैं वोग मैगजीन? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये न्यूज़पेपर तुम्हारे लायक नहीं है। दीज जर्नलिस्ट, दे ब्लडी डिटेक्टिव थीव्स, और तुम तो ऑलरेडी एडिटर बनने के लायक हो स्वीटहार्ट। मैम, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट। ट्राई स्वीटहार्ट, हम सेलेब्स की पर्सनल लाइफ की स्टोरीज को चुरा के उन्हें प्रिंट करते हैं। वी आर अ टैब्लॉइड न्यूज़पेपर। चीप गॉसिप, सेंसेशनल स्टोरीज को इंग्लिश में बेचना हमारा काम। बट यू, लुक एट यू, यू आर सो क्लासी, सो लिटरेचर, सो शेक्सपियर, एंड वी आर सो चेतन भगत। मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए।
trashy, ma'am. Ma'am, I write all kinds of flaky stuff. मैंने अभी लिखा four ways to cure hangover and five ways to tell your boyfriend could be gay and Boss, you're right. But ये newspaper तुम्हारे लिए wrong है. No, ma'am. ऐसे मत बोलो. ये newspaper कभी wrong हो ही नहीं सकता. But hey, darling. That's why I have to cut down my staff. और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस जॉब की सबसे कम जरूरत है. No, Diane. Now, Diana. Ma'am, please understand, ma'am. I really need this job. Ma'am, इस जॉब के भरोसे मैं कोलकाता से यहाँ आई अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के. तो फिर तो एक ही सलूशन है. मेन पेज ज्वाइन करो एंड राइट मी सेंसेशनल स्टोरीज. स्कैंडलस, controversial, A-rated, जिसे पढ़ के लोग हमें सू करना चाहें. Gossip journalism? मैम, मैं gossip journalism कैसे लिख सकती हूँ? It's so not me. I understand. I totally understand. Thanks, ma'am. You know what? मैं इस newspaper को बदलने वाली हूँ. I'm going to make it classy, literature-oriented, just the way you like it. I know you're being sarcastic, ma'am. Sara, can you do me a favor, please? Jia, send ke papers ready karo. No, ma'am. Ma'am, I'm sorry. Ma'am, please, ma'am. Ma'am, I really need this job. Please understand, ma'am. You want me to gossip? I'll do it, ma'am. I'll really try, ma'am. I'll give my everything. I'll try, but please don't let me go, ma'am. Please, ma'am. I really need this job, ma'am. Sara, yeah. Can you please cancel it for the time being? Thank you, darling. Great. Let's do a test. तुम्हारे पास कल सुबह का टाइम है. टॉप हीरोइन साइशा कपूर की कोई ब्रेकिंग न्यूज लेकर. थैंक यू मैम. Yes, myself Paresh Kantilal sir, and yourself Revati, ne? Revati. Revati only I said, same to same. Sit. So, shadi Jan end ke right? Yes. 27th to 29th? Yes, yes. So, मैं हर gig, हर function maximum 3 घंटे के लिए play करती हूँ. Okay. Very okay. You are ladies, wow. Doing men's job. Wow. budget? Fikar na thi. Last order chene. That's why. I will pay full money. So, three nights का मतलब 2 lakhs plus convenience. Hello. कुछ discount करो ने. Bulk booking छे. 3 days. Sorry, 3 nights. खाना and drinks. Free. Free, free. Oh, buddy. Get up. Get up. You creep cheapskate? कभी शॉर्ट्स नहीं देखे क्या? लड़की की शादी करवा रहे हो और मोटा चश्मा पहन के लड़कियों की टांगे चकर कर रहे हो? शर्म नहीं आती? No, no. Excuse me. Madam, please. You are having some misunderstanding. There is no misunderstanding. Only understanding. You are a thar ki buddha. Don't you dare call me again. J.
जहाँ फ्रीडम है वहाँ सोसाइटी के अनवांटेड प्रेशर्स भी हैं, जो बीच बीच में रियलिटी बन के काटने को आ जाते हैं। वेरी बैड अंकल, वेरी बैड। अरे व्हाई इज शी वेयरिंग शॉर्ट्स? नॉट इंडियन कल्चर नो। हम तीनों फ्रेंड्स ने मुंबई में इन कुछ सालों में यही सीखा है कि एक्चुअली में हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वैसे ये लाइन मेरी नहीं, साहिर की फेवरेट है। ओह शिट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट, साहिर का शो। आई नो यू आर वंडरिंग कि साहिर है कौन और हम दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। लाइफ की तरह कुछ चीजों को डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है और मेरी लाइफ की डिफिकल्टी का नाम है साहिर।